बात कोरियन कंटेंट की हो ना भाई, तो कंपेयर नहीं करते, सीधा बेहिचक आंख बंद करके एक्सपीरियंस करते हैं। इनमें बिल्कुल 1% भी शक नहीं कि कोरिया वालों सीरीज नहीं इमोशंस बनाते हैं, जो सीधा इधर उधर नहीं दिल पर जाकर लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ और देखने का मन ही नहीं करता, इनका हैंगओवर हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं। तो बताइए, ऐसी सीरीज को कौन एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही कोरिया की सिर्फ सीरीज नहीं, हमारी इमोशन टॉप 5 अब तक की सबसे बेहतरीन कोरियन सीरीज लाए हैं। अगर भाई आप इस लिस्ट की एक भी सीरीज को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। मेरा यकीन मानिए, आपको एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट किया ना तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही रिव्यू करता है। तो इस लिस्ट की एक भी सीरीज को मिस मत करिएगा। तो बताइए, ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और हमारी मोस्ट पॉपुलर ओनली बेस्ट प्रीवियस कोरियन सीरीज का लिस्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा। और इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक चाहिए तो आइए टॉप रिव्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक अबाउट सेशन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से कोरिया की इमोशंस को फील करते हैं। नंबर 5 की कोरियन सीरीज, भाई आप सोचिए, आपकी आत्मा किसी फीमेल की बॉडी में चला जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, एकदम खतरनाक ना। नंबर 5 की कोरियन सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी 2020 की कोरिया की सुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ मिस्टर क्वीन। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हो आपकी आत्मा जॉसन डेस्टिनी के क्वीन के अंदर चले जाए और एकदम से आपकी चाल ढाल, आपकी एटीट्यूड बदल जाए, तो वो सीरीज देखने का मजा ही कुछ और होता है। और सच में भाई, सीरीज देखने में तो मजा आता है। और सबसे बड़ी बात भाई, लीड एक्ट्रेस की वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिंग, बात बदल गए, जज्बात बदल गए, नो डाउट भाई ऐसी सीरीज को देखिए। इसके कॉमेडी और इसके कॉन्सेप्ट आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए। नंबर 4 की कोरियन सीरीज, यार आप सोचिए, आपके पास एक ऐसा पावर हो हुए लोगों के आत्माएं आपको दिखाई दे, यानी कि आप भूतों से बात कर सके, तो सोचिए कितना थ्रिल होगा, वो भी कोरिया के अंदाज में। नंबर 4 की सीरीज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 2013 की, जिसे हाल ही में हिंदी में डब्ड किया गया, हॉरर मिस्ट्री के साथ द मास्टर सन लाल इश्क। सीरीज यार कोरिया की हॉरर मिस्ट्री के साथ, वो भी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इनफैक्ट इस लिस्ट की सीरीज को रैंक कर सके मेरे बस की बात नहीं। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ नंबर 1 की सीरीज बेस्ट होगा। बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो हमारी एक्ट्रेस भूतों से बात कर उनकी अधूरी इच्छाएं को पूरी कर सकती है ना, खतरनाक भाई, बचकर सीरीज को बेहिचक देख डालिए। कोरियन सीरीज में लव स्टोरी के साथ हॉरर का थ्रिलर ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज देखने का मजा ही कुछ और होता है। और कोरिया की सबसे बड़ी खासियत रही है, कोरिया अपने इमोशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, सीधा दिल में जाकर घुस जाता है। और इन सभी के बीच इसके सिचुएशनल सॉन्ग अगर सिचुएशन से मैच कर जाए ना, तो पूछे मत, कानों को सुकून दे जाती है। इनकी सीरीज के बारे में बात करने लगे तो पूरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी, बस एक ही बात कहेंगे, सीधा जाकर देख डालिए भूतों के साथ सुहागरात, इतना थ्रिल होगा। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की कोरियन सीरीज ने भाई स्पाई, एक्शन, रोमांस, एपिक लव स्टोरी जैसी जॉनरा एक ही सीरीज में हमें एक्सपीरियंस करा दिया, वो भी कोरिया की नेक्स्ट लेवल की अंदाज में। 2021 की डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट IMDb रेटिंग 8.9 के साथ स्नो ड्रॉप। हमने आपसे कहा था इस लिस्ट की सीरीज को रैंक करना हमारे बस की बात नहीं। सीरीज की स्टोरी 1987 सियोल में सेट है, जहां हमारे हीरो पे इल्जाम है कि वो कोई दूसरे देश के स्पाई एजेंट हैं। तभी जख्मी हालात में हमारे हीरो एक फीमेल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स रूम में जाकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद क्या शुरू होता है इनके बीच की, वो लव स्टोरी। और सच में ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्टर ने जो स्क्रीन प्ले रखा है कि एक एपिसोड देख लेने के बाद आप रह ही नहीं पाएंगे इसके दूसरे एपिसोड के लिए। इस लेवल पे आप सीरीज से एंगेज हो जाओगे, इन क्यूट कपल, इनकी बीच की केमिस्ट्री आपको दिल में छप जाएगी। सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है, इस सीरीज को देखिएगा जरूर। नंबर 2 की सीरीज भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को इस तरह से इम्प्लीमेंट सिर्फ कोरिया ही कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम माइंड ब्लोइंग। आज तक हमने इस कॉन्सेप्ट पे सीरीज तो कई देखा, पर इस लेवल की इम्प्लीमेंट नहीं देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2020 की, जिसे हाल ही में हिंदी में डब किया गया फैंटेसी ड्रामा के साथ काइरोस। प्रेजेंट में रह के टाइम में पीछे किसी के थ्रू अपने पास्ट को बचाना है ना कॉम्प्लिकेटेड, पर ये सीरीज आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप सीरीज के अंदर घुसते चले जाते हो। इसके ट्विस्ट एंड टर्न आपको हर पल शॉक एंड सरप्राइज करेगी। लिटरली भाई, सीरीज को एक बार देखना चालू किए तो पूरा देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे, एक भूख सा जगा देगी।
भाई ये सीरीज का भूख सीरीज देखने के बाद ही खत्म होगा, फिर आप इस टाइप का कोई और सीरीज ढूंढते फिरिएगा। फिर आइए आप हमारे कमेंट सेशन में और कमेंट करिए इस लेवल का अल्टरनेटिव सीरीज का नाम बताइए, हर एक कोई कोई रिप्लाई जरूर करेंगे। और इस सीरीज का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आइए टॉप रिव्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे डाउनलोड लिंक डाल देंगे। नंबर वन की सीरीज यार क्या बताएं, इस सीरीज के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर वन पे है तो किस लेवल का होगा। अभी तक आपने नहीं देखा तो बेहिचक देख डालिए। 2016 की जिसे हाल ही में हिंदी में रिलीज किया गया एपिक रोमांस ड्रामा के साथ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी। हमने तो दो इंसानों के बीच की लव स्टोरी तो कई देखा, पर एक इंसान और एक मरमिट की लव स्टोरी वो भी कोरिया की अंदाज में नहीं देखा। जी हाँ, एक इंसान और एक मरमिट की एपिक लव स्टोरी जिसे बोलना तक नहीं आता। तो सोचिए इनके बीच की लव स्टोरी में कितना इमोशंस होगा और उस इमोशंस को फील करने में कितना मजा आएगा। और सच में इस सीरीज का रोमांस काबिले तारीफ है। ऐसी एपिक लव स्टोरी कोरियन सीरीज को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो अभी जाकर करिए। ऐसी सीरीज सीधा दिल पर जाकर बसती है। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। ऐसी एपिक लव स्टोरी को मिस नहीं किया जाता, सीधा एक्सपीरियंस किया जाता है। तो बताइए ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भाई लोग सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को मिस करिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक चाहिए तो आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।